हे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक ब्रो यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं आपके साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि 2018 में मतलब 2K17 अब जा चुका है और 2018 में हम ऑलरेडी आ चुका है, तो हम 2K18 में किस तरह एक यूट्यूबर बन सकते हैं। हम अगर कुछ सोच रहे हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, आप लोग अगर सोच रहे हैं ऐसा और आपको कुछ करना है यूट्यूब पे और आप चाहते हो कि एक यूट्यूबर बनना, वो भी सक्सेसफुल यूट्यूबर, मतलब अंदर से सक्सेसफुल, वैसे तो सक्सेसफुल आप हो ही जाओगे, अंदर से सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और सारे स्टेप्स और सारे कंडीशन में आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरे डिटेलिंग से। तो विदाउट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने YouTube चैनल को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि अभी फिलहाल YouTube में जो कंडीशंस अप्लाई हो चुका है, जो कि नया नया पॉलिसीज बन चुका है YouTube में, आप अभी अगर चाहते हो कि एक पार्ट टाइम यूट्यूबर बनना और एक फुल टाइम यूट्यूबर बनना नहीं चाहते हो अभी फिलहाल, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ में आ जाओगे अगर पार्ट टाइम यूट्यूबर चूज़ किया है तो। सबसे पहले आपको जो स्टेप्स उठाना पड़ेगा एक यूट्यूबर बनने के लिए, वो है आपका फुल एकदम मतलब पैशन होना चाहिए यूट्यूब में। मतलब यूट्यूब एक पैशन और एक एडिक्शन हो जाता है एक टाइम पे जाके, तो वो आपको भी लत लग जाएगी यूट्यूब के, मैं जानता हूँ। शेयर अगर यूट्यूब करोगे ठीक ठाक से, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यूट्यूब में आपको यहाँ पर फुल टाइम आना पड़ेगा, पार्ट टाइम भी ले सकते हो। मतलब फुल टाइम मतलब ऐसा नहीं कि आपको फुल टाइम मतलब डेली काम करना पड़ेगा, फुल टाइम यानी आप हफ्ता में या महीने पे एक ठीक टाइम बेसिस करके आपको डालना है तो डालना है, कुछ ऐसा टाइम सेट कर लीजिए। पार्ट टाइम यानी कभी डाल दिया, कभी नहीं डाला है, अभी फिर डालूंगा, नहीं डालूंगा, अभी तब जगह डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा, इसके कहते हैं पार्ट टाइम। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, इसे कहते हैं पार्ट टाइम। तो ये वाला काम नहीं चलेगा, तो जो काम आपको करना होगा वो आपको फुल टाइम लेना पड़ेगा, एक टाइम और एक रूटीन सेट करना पड़ेगा कि इस टाइम पे और इस समय पे मुझे वीडियो अपलोड करना है, एक वीडियो प्रेजेंट करना है आप लोगों के पास, कुछ इस तरह का आपका सेट गोल सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, आपने तो सभी गोल्स सेट कर लिए, आपको फुल टाइम यूट्यूबर बनना है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर पूरा एकदम फ्रैंकली और डीलिंग से मैं बात करने वाला हूँ और बात भी कर भी रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कि अभी आपने एक नंबर स्टेप्स पूरा कर लिया, दो नंबर स्टेप आपको जाना होगा सिंपली गूगल में अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर करना पड़ेगा, वो प्रोसीड्यूर आप और किसी वीडियो में बताऊंगा। आप जाके खुद और भी वीडियोस बन चुका है ऑलरेडी, वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। यूट्यूब एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने के लिए, अच्छा खासा छोटा मोटा फेम कमाने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो कि यूट्यूब का टैग लाइन है जो कि है ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ, यानी आपका खुद का जो पैशन है, आपका खुद का जो टैलेंट है आपके पास, वो आपको प्रेजेंट कर सकते हो दुनिया के सामने। तो वो आप कैसे करें, आपको जो भी मालूम है, मतलब आप गाना हो सकता है, वो कुकिंग हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकता है, उससे बेहतर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, वो फील्ड का वो टॉपिक उठा के यूट्यूब में आ जाओ और अच्छे कंटेंट से अच्छे मतलब मन लगा के काम करो, यूट्यूब में आप अच्छा कर जाओगे। तो अभी आपने सभी स्टेप्स पूरा कर लिए, इसके बाद आपको जो करना पड़ेगा यूट्यूब के सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि हो चुका है कि 4000 आवर्स का एक घंटा का मतलब 4000 आवर्स का एक आपको वॉच टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर लगेगा, वो भी विद इन वन ईयर आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा ये थ्रेश होल्ड। उसके बाद अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि आप आके ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे, तो ये भी गलत है, पहले भी ऐसा पॉसिबल नहीं था, अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक अच्छे यूट्यूबर और अच्छे टैलेंट है आपके पास, तो आप पैसे के बारे में अभी फिलहाल जो कंडीशंस आ चुका है, अप्लाई हो चुका है यूट्यूब में, तो इस कंडीशन में तो और भी ज़्यादा टफ हो चुका है पैसा कमाना। पर आप अगर जेन्युइन कंटेंट बनाते हो, आप अगर जेन्युइन कंटेंट लेके आते हो यूट्यूब पे, तो मैं एकदम मतलब 100% बोल सकता हूँ कि उससे ज़्यादा ले लीजिए, आप बोल सकते हो कि आपको पैसा कमाने के ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जेन्युइन कंटेंट जो लोग बनाते हैं उस लोगों को ही सिर्फ पैसा जाएगा, आप तो समझ ही पा रहे हो अगर यूट्यूब में एक्टिव हो तो। तो यहाँ पर 4000 वॉच आवर्स का वॉच टाइम लगेगा, 1000 सब्सक्राइबर, तो ये भी थ्रेशोल्ड काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा मैं आशा रखता हूँ। और यहाँ पर प्रमोशन वगैरह कुछ आपको करने की नहीं ज़रूरत है किसी भी चैनल में, आप खुद थोड़ा बहुत मतलब ये जो थ्रेशोल्ड है 4000 आवर्स का और 1000 सब्सक्राइबर, ये थोड़ा मेहनत करके आप अपने यूट्यूब चैनल में ये थ्रेशोल्ड जो कि 4000 वॉच टाइम और यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर, ये थोड़ा मेहनत कीजिए, डेली बेसिस पे आप यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कीजिए और एकदम मन लगा के अपलोड कीजिए, पूरे मतलब पूरा फोर्स लगा दीजिए, मतलब जितना भी आपके पास टैलेंट है, जितना भी आप कर सकते हैं अपने वीडियोस में, पूरा मेहनत आप लगा दीजिए एक वीडियो में बनाने के लिए, सारे वीडियोस इस तरह आप बनाइए और 1000 सब्सक्राइबर आपको देखिएगा, 1000 उसका बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। और सब वो ही नहीं, आपके पास अगर अच्छा खासा कंटेंट है तो आपके पास वॉच टाइम भी अच्छे खासा आ जाएगा और 4000 आवर्स
यूं ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा कोई मतलब आप टेंशन मत लीजिए, आसानी से हो जाएगा। अगर यूट्यूब करने की सोच रहे हैं तो यूट्यूब में आइए, यूट्यूब करिए, कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है। बहुत लोग ऐसा हो रहा है कि मैं सोच रहा था, मेरे बहुत दोस्त थे कि यूट्यूब करने की सोच रहे हैं, वो लोग सोचते रह गए, अभी सोचते अभी क्या करेगा मुझे फिलहाल पता नहीं। पर आपको मैं यहाँ पर सीधा बोल देता हूँ कि आप यूट्यूब को स्टार्ट करिए, अपने टैलेंट को प्रेजेंट करें, भूल जाइए जो पैसा आने वाला है, भूल जाइए डॉलर्स, भूल जाइए अपने आवर्स, सब्सक्राइबर्स, भूल जाइए, तो अपने यूट्यूब मतलब आपका टैलेंट को बचाना, आपको लोगों को दिखाने में अच्छा लगता है, आप जो जानते हैं लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है जो आप जानते हैं, तो आप यूट्यूब जरूर कीजिए, आपके लिए यूट्यूब है। जिस लोगों के अंदर ये बात है ना कि मुझे लोगों के साथ शेयर करना है मेरा टैलेंट के बारे में, मुझे लोगों के साथ शेयर करना है अच्छी बातें, मुझे लोगों के साथ दिखाना है मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों से मैं दिखा सकता हूँ कि मैं क्या क्या करके दे सकता हूँ उन लोगों को, तो ये सारे बातें अगर आपके अंदर है तो आप जरूर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। सिर्फ सक्सेसफुली नहीं, मतलब अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो तो मतलब फाइनेंशियली या मतलब आपके सब्सक्राइबर बेसिस, वो फेम वगैरह जो भी है, वो सक्सेसफुली आप नहीं भी हो, दो चार जितने व्यूज़ जैसे कि मेरे वीडियोस में आते हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे कम व्यू आते हैं मेरे चैनल पे, पर जितने भी आते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, वो लोग चाहे देखें या ना देखें, देखेंगे ज़रूर अगर अच्छा कंटेंट है तो। तो देखिए यहाँ पर टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने आ रहा हूँ कि किस तरह आप कर सकते हैं, किस तरह के अच्छे यूट्यूबर आप बन सकते हैं और क्या क्या कंडीशन आपको देखना चाहिए। तो इसके सारे बातें मैं इस वीडियो में करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो माफ़ कर देना, वीडियो अगर लंबा हो रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ कि 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो यहाँ पर बुरा मत मानना कि वीडियो ज़्यादा लंबा है, पर यहाँ पर मुझे सारे डिटेल्स आपको बताना है। यहाँ पर 4000 वॉच टाइम, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनती काम है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का बात है, तो आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो, आपके भी सपना है यूट्यूबर बनना, तो आप ये ज़रूर कीजिए। यूट्यूबर बनना कोई भी अनपॉसिबल या इम्पॉसिबल जो भी है यहाँ पर नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। आपके पास अगर जेन्युइन कंटेंट है और आप पसंद करते हो YouTube को तो जरूर आप कर जाओगे। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि और क्या क्या चाहिए, मतलब स्टार्ट तो करूँगा, मेरे पास कुछ गियर्स वगैरह कुछ नहीं है, लाइट कंडीशन नहीं है, कैमरा नहीं है, मेरा मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारा बहाना बनाते रहते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपके कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं चाहिए, मैं भी पहले बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, आपने अगर देखा नहीं तो मैं आप पिछले का वीडियोस जाके आप देख सकते किस तरह का क्वालिटी वहाँ पर था, कुछ भी नहीं था, ना साउंड ठीक था, ना कुछ भी नहीं था, आपके सिर्फ और सिर्फ वीडियो बन पाए इस तरह एक कैमरा या मोबाइल कुछ भी है। मेरे पास Redmi Note 4 है, इससे पहले मैं Redmi 2 Prime से रिकॉर्ड करता था, अभी फिलहाल Redmi Note 4 है, इससे मैं अभी फिलहाल रिकॉर्ड नहीं करता, मैं पहले कुछ बहुत दिनों से इससे भी मैंने रिकॉर्ड किया है, बहुत अच्छा एक मोबाइल है। तो आप किसी भी फ़ोन उठा लीजिए जिसमें अंदर एक HD कैमरा लगा हुआ है, वो इजीली आपको 5 से 6000 रुपीस में आपको मिल जाता है, वो फ़ोन आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा। माइक चाहे तो आप खरीद सकते हो, 2000 में बोया का M1 आ जाता है, मैं फिलहाल एक 200 से 300 रुपये का माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा एक माइक है, ये भी आप परचेस कर सकते हो, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहे तो कुछ इस तरह का गियर्स आप परचेस कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए, और लाइट कंडीशन आप वो भी कोई बात नहीं, मैंने जुगाड़ लगाया हूँ बहुत सारे, आप मैं अगर दिखाऊँ तो मेरे जुगाड़ वाला सेटअप है, या घर का लाइट कंडीशन भी है, तो मोबाइल का मतलब मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली आपको फाइंड कर लेगा, और ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छे खासा एक्सपोजर लेवल आपको तैयार करके देता है मोबाइल में। आपके पास अगर DSLR वगैरह कैमरा है वो काफ़ी अच्छी बात है, आप इससे भी स्टार्ट करते हैं, पर मैं कहता हूँ स्टार्टिंग के लिए ये सब आपके पास अगर नहीं है तो ये नहीं चाहिए, एटलीस्ट आप एक छोटा मोटा सब्सक्राइबर बेस बना लीजिए, आपके खुद के काम में एक पैशनेट हो जाइए यूट्यूब में, उसके बाद गियर्स खरीदने की या परचेस करने की कोशिश करें या परचेस करें, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर सारे बात से यहाँ पर अप्लाई कर लिया, आपने यहाँ पर Redmi Note 4 या कुछ भी कैसे भी आप HD कैमरा ले लीजिए, जो कि एक फ़ोन भी हो सकता है, माइक आप परचेस कर सकते हैं चाहे तो, और एक ट्राइपॉड खरीद लीजिए, ट्राइपॉड खरीदिए, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं करोगे तो नहीं अच्छा होगा। पर मैं जो कर देता, मैं यहाँ पर फ्रेंकली आपको बताऊँगा कि मैंने जब स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो मैंने एक सिंपली मतलब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई एक छोटा सा मतलब हाथ में लेके ऐसा बना था, इतना 4.7 इंच का एक मोबाइल था, वो कि Redmi 2 Prime हाथ में लेके ऐसे बना देता वीडियो, तो अब वो भी कर सकते, अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया और आप चाहते हैं कि आपने मतलब आपके अगर 4000 आवर्स कंप्लीट भी हो चुके, 1000 सब्सक्राइब भी पूरा हो चुके, तो आपको आप क्या करना पड़ेगा, वो है अपने एडसेंस के साथ अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करना पड़ेगा, वो भी काफ़ी आसान है, आप देख पाओगे और ऑटोमेटिक आप सब समझ जाओगे आप धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर आपको जब भी $10 पूरा होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, ये भी $10 का पूरा होगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक चिट्ठी आ सकते हैं, मुझे आया था, अभी फिलहाल मैंने सुना है कि ऐसा नहीं आता है, आपको ऑनलाइन ही हो जाता है, तो अगर आता है कुछ इस तरह अगर $10 हो जाता है, उसके बाद इसे रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने एड्रेस को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद $100 होने के बाद आपके यूट्यूब चैनल के $100 होने के बाद जो पैसा जमेगा उसके बाद आपको बैंक में यह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पर बताता हूँ कि आपने डॉलर के बारे में यहाँ पर नहीं सोचना है, यहाँ पर आपको अपने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के बारे में ध्यान देना है। आप यहाँ पर सब्सक्राइबर वॉच टाइम पे आपको फोकस ज़्यादा करना है कि वॉच टाइम आ रहा है, कैसे आप वॉच टाइम ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, आपको जितने अच्छा हो सके अपने कंटेंट बनाइए। मैंने सोचा था कि ये वीडियो बहुत दिन से बनाऊंगा, पर अभी फिलहाल बना रहा हूँ, ये देर आया फिर भी दुरुस्त आया। पर यहाँ पर मैं पर कहना चाहता हूँ कि आप स्टार्ट कीजिए। अल्टीमेट में एक ही बात यहाँ पर कहूँगा कि आप स्टार्ट कीजिए अपने यूट्यूब चैनल, जो होगा सो देखा जाएगा। स्टार्ट कीजिए ना, क्या जाता है, डेली का आपको 2 से 3 घंटा ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। एडिटिंग वगैरह ज़्यादा कुछ भूल जाइए, आपका अगर नहीं आता तो आपको सीधा डाल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मतलब एडिटिंग करते कुछ कट जो होता है एडिटिंग थोड़ा बहुत सुंदर लगता है, पर वो बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है कंटेंट पर अगर दम होगा तो एडिटिंग भी कुछ नहीं है। ऑडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब एक्सपेंसिव आपको माइक्स खरीदना नहीं है, छोटे मोटे माइक्स या मोबाइल के इंटरनल माइक से भी अच्छे खासे काम हो जाता है, तब वो यूज़ आप कर सकते हैं। लाइट का जुगाड़ आप खुद के लगा लीजिए अपने दिमाग में। मैं एक दिन दिखा दूंगा आपको मेरा कैसे जुगाड़ लगा है। आपके घर के लाइट भी बहुत काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपको क्या क्वालिटी मतलब कंटेंट क्या देना है। देखिए यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी का चैनल है, आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो चाहे कि 10,000 से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स वो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या जाता है यार बाहर में जाए सब कुछ, आपको तो अच्छा लगता है ना वो चीज़ शेयर करने में, वो कर दीजिए। सब लोग करते हैं, आप भी करिए, कोई बात नहीं है। पर अगर आपके पास कुछ डिफरेंट टैलेंट है तो आप वो भी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो आप यूट्यूब में पैशनेट होना चाहते हैं पर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो चलेगा। तो इस लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस फ्रेंड्स के लिए, कि आप चूज़ कीजिए। अगर आप गर्ल्स हो तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते मतलब ब्यूटी वगैरह की, वहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी का आपको पसंद है, बॉय हो गर्ल्स हो कोई बात नहीं है, पर आप अगर टेक्नोलॉजी अच्छा लग दे तो यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का चैनल खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स वगैरह, बहुत सारे मतलब रिव्यू यूनिट वगैरह आपको मिलते रहेंगे आपके। अब जब भी आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, अच्छा खासा टीआरपी आपको मिलते रहेगा अपने चैनल पे, तो यहाँ पर अच्छा खासा मिलते रहेगा। आपको एडसेंस या यूट्यूब का मनी में आपको भरोसा नहीं रखना है, आपको यूट्यूब के मनी के बेसिस करके आपको जीना नहीं है। आप स्पॉन्सरशिप इतना कमा सकते हो कि आपका महीने का खर्च चल जाएगा काफ़ी आसानी से। मैं सच बता रहा हूँ, इसे ये मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैंने अभी तक कोई रिव्यू यूनिट नहीं परचेस किया, मैंने कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं लिया, पर मैं ये जानता हूँ कि मैंने बहुत से कंपनी के साथ कांटेक्ट किया है, पर वो लोगों ने बताया कि आपको थोड़ा और आपके टीआरपी अपने चैनल में लाना है, उसके बाद आपको रिव्यू यूनिट्स मैं दूंगा। तो मैं ये श्योर हूँ कि आप मुझे रिव्यू यूनिट्स मिलने वाला है। मैं जब तक मैंने थ्रेशोल्ड में कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद रिव्यू यूनिट्स मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, आपने अगर सारी अच्छे खासे टीआरपी अपने चैनल में आ जाता है तो ये मैं काफ़ी अच्छी बात नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास एक साल से ज़्यादा लग जाए कि आपको YouTube AdSense ऐसा नहीं है, आपका चैनल तो बंद नहीं होगा, आपका सिर्फ YouTube AdSense बंद होगा। तो यहाँ पर क्या जाता है यार, आपके पास अगर देर आया 1000 सब्सक्राइबर एक साल से ज़्यादा जाके आया है तो कोई बात नहीं है, आप अगर अच्छा खासा TRP होगा तो आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह से आप अच्छे खासे कमा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। बहुत से लोग टेंशन ले रहे थे कि ये मुझे नहीं करना है, यहाँ पर पैसा नहीं है, YouTube में पैसा जा चुका है। हाँ, वो लोगों के लिए पैसा जा चुका है जो उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं, जो ट्रेंडिंग पेज में जाके आप जानते ही हो कि यार यूट्यूब में ट्रेंडिंग पेज क्या चलता है, वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है शायद, पर जो लोग जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, अच्छा खासा पैसा आप छाप सकते हो यूट्यूब से। तो मैंने अभी तक कोई भी, मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं किया, पर मुझे यूट्यूब करना काफ़ी अच्छा लगता है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों की अच्छा लगेगा और आप लोग भी बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर बहुत अच्छे खासे यूट्यूब में काम करोगे। तो यहाँ डॉलर के बारे में आपको पूरा भूलना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में फोकस करना पड़ेगा। वीडियो को उम्मीद रहेगा कि आपको पसंद आया, पसंद आने जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूले। और हमारे चैनल के अगर नया आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यूट्यूब की टिप्स और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बातें, मोबाइल से वगैरह की बातें मैं लाते रहते इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बाय बाय, टेक केयर, वीडियो। आई एम मिस्टर टेक ब्रो, साइनिंग ऑफ।